सबसे बड़ी बात यहां पर सभी लोगों को जाननी है वो ये कि कॉलिशन हर कोई समझ सकता है कि सरकार बनाने के लिए ठीक है। आपका कॉलिशन बना शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, पहले भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का बना, उसके बाद शिवसेना उन्हें मिली। किसी को यह समझ में नहीं आया कि आपने अजीत पवार को इस कॉलिशन में क्यों लिया, जब आपकी पहले ही पूरे बहुमत की सरकार बन चुकी थी पिछले साल, तब आप यहां पर आए थे। अब 3 महीने पहले अचानक अजीत पवार यहां पर आ जाते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं, ये कैसे होता है? मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, मैं तो ये मानता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हुई है। देखिए, हमेशा राजनीति में आपकी जो ताकत होती है उसको ज्यादा संगठित भी करना पड़ता है और उसको बढ़ाना भी पड़ता है। और आज जब इंडिया अलायंस के माध्यम से देश भर की विपक्षी पार्टियां एक होने का प्रयास कर रही है केवल एक टारगेट को लेकर कि हमको मोदी जी नहीं चाहिए, तो ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई पार्टनर साथ में आना चाहता है तो उसको न ले, तो ये तो कोई राजनीतिक वास्तविकता नहीं होगी, सही निर्णय नहीं होगा। तो अगर अजीत पवार जी हमारे साथ आना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ताकत बढ़ती है, इसलिए हमने उनको साथ में लिया। ये जरूर था कि शिंदे जी के आने के बाद हमारी सरकार भी बनी थी, सरकार अच्छे से चल भी रही थी, हमको प्रॉब्लम कुछ नहीं था, लेकिन अगर ताकत और बढ़ती है तो राजनीति में उसको नकारा नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन कैसे हो रहा है ना अभी कि देखिए 3 महीने हो गए अजीत पवार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के, 3 महीने में ये दूसरी बार है कि वो बीमार पड़ गए वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं आते हैं, और पिछली बार जब वो बीमार पड़ते थे, बारामती चले जाते थे, हम सबको लगता था कि देखिए शरद पवार से रूठ गए। अभी भी सब लोग यही कयास लगाते हैं। ये जो फर्क हुआ ना, जिसके वजह से आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, आपको बात करनी पड़ रही है कि कैबिनेट एक्सपांशन किस तरीके से करें। देखिए, राजनीति में आज परिस्थिति इतनी खराब है कि हम जेन्युइनली बीमार भी पड़े तब भी उसकी न्यूज बनती है और उसके अलग अलग प्रकार के उसमें से संदेश जाते हैं। कल सुबह जब मैंने अजीत पवार जी से बात की, लिटरली कहता हूं कि उनका आवाज ही नहीं निकल रहा था, इतना उनका आवाज चोक था, और उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए वो नहीं आए। हमारा दिल्ली जाना ये पहले से तय था, कोई इसका इससे संबंध भी नहीं है, पहले से तय था कि हम लोग जाएंगे, हम लोग दिल्ली गए। तो मुझे लगता है, देखिए, अल्टीमेटली जब फेडरल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से चलती है, हम एक ऐसे फेडरेशन में काम करते हैं कि जिसमें लगातार राज्य की सरकारों को केंद्र की सरकार के साथ, केंद्र के नेताओं के साथ, केंद्र के मंत्रियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, तो इसलिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो इसलिए हम दिल्ली गए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी बातें जब होती है तो हमारे जो पत्रकार है उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन जो है उसका एक नया नया आविष्कार हमको देखने को मिलता है, और हमको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि भाई इतना कैसे कोई सोच सकता है।